नमस्कार मित्रों, दिदर्शन पुरोहित गुरुदेव शाला से बोल रहा हूँ। अद्भुत संयोग आने जा रहा है, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष हो गया, उसमें शुरू के दिन यानी पूर्णिमा के दिन में चंद्र ग्रहण है और अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन भी सूर्य ग्रहण है, तो लोग डर जाते क्या करें। मगर मैं वेद विज्ञान के विद्यार्थी और खगोल विज्ञान के विद्यार्थी के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ना डरे ना डराए, अपने पितरों का जो भी श्राद्ध करना आप चाहते जो भी विधि करना चाहते वो करें। और 18 को जब चंद्र ग्रहण होगा उसी दिन को ही पूर्णिमा माना है, क्योंकि उदित तिथि में पूर्णिमा उसी दिन है, चंद्रमा रात्रि में रहेगा मगर उसी दिन पूर्णिमा है, मगर वो चंद्रग्रहण केवल 11 मिनट दिखाई देगा और 6:23 को चंद्र अस्त हो जाएगा, तो हमारे से चंद्रग्रहण देखने की संभावना नहीं है। 7, 8, 9, 10 बजे तक आप आराम से विधि कर सकते हैं। और जब सूर्यग्रहण होगा अमावस्या के दिन, तो उस दिन तो सूर्यग्रहण दक्षिण अमेरिका में दिखेगा, एंटार्क्टिका से दिखाई देगा, भारत में तो दिखने वाला ही नहीं है, तो डरने वाली कोई चीज ही नहीं। वैसे ये शुभ अशुभ हमारे मान्यता के ऊपर निर्भर रहता है, ये भगवान की बनाई घटना है, सूर्य चंद्र भगवान के बनाए और भगवान ने उसको गति दी, उसके चलते ग्रहण हुआ। न भगवान जब अशुभ नहीं है तो ये सब चीजें अशुभ क्यों हो सकती है, उससे डरने वाली कोई बात नहीं। पितृ पक्ष में जो भी हम पितरों के लिए कार्य करते हैं शुभ कार्य, वो सब करें, बिना डरे ना डराए। सभी को ये मैसेज फॉरवर्ड करें कि पितृ पक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो भी चीजें करनी हो आप कर सकते हैं, ग्रहण उसमें कुछ भी प्रकार की बाधा नहीं डालता है, तो इसके आप इसका लाभ ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी के मंगल की कामना करते हुए दिव्य दर्शन पुरोहित गुरु दिव्य शाला से नमस्कार मित्रों।